बापा राबी दास ने पूछा है, हाय मैम, मेरा B12 बढ़कर 1300 हो गया है, क्या तो अगर इंजेक्शन बंद कर दिया तो कुछ सप्लीमेंट लेना चाहिए क्या? देखिए, बहुत सारे लोगों का अभी आजकल क्या हुआ है कि YouTube पे बहुत सारे B12 के इंजेक्शन और B12 के फ़ायदे, और कुछ भी हुआ तो B12 का इंजेक्शन ले लो, B12 का इंजेक्शन ले लो, और वो भी नॉन MBBS डॉक्टर जो होते हैं, जिनको बिल्कुल मेडिकल फिजियोलॉजी या फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोडायनेमिक्स पता नहीं होते, वो सिर्फ यूट्यूब पर व्यूज़ कमाने के लिए और पब्लिक के में पॉपुलैरिटी कमाने के लिए ऐसा मार्केटिंग करते हैं कि B12 के इंजेक्शन लगा लो, ज़रा कुछ हो गया चलो B12 के इंजेक्शन लगा लो, इसलिए वो YouTube के वीडियो देख देख कर पब्लिक भी B12 के इंजेक्शन खुद ही खरीद लेती है और कोई सिस्टर या नर्स के पास जाकर इंजेक्शन खुद ही लगवा देती है, खुद के खुद ही डॉक्टर बन जाती है। तो ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है और इसीलिए आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि बहुत सारे लोगों में B12 बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब अगर इंजेक्शन भी नहीं लिया तो बहुत सारे ऐसे B12 के सप्लीमेंट के वीडियोज़ बनाते हैं नॉन मेडिकल डॉक्टर्स, और ये देख देख कर पब्लिक ऐसे ही दुकान में जाके खरीद लेती है। इंडिया में तो आपको पता है सभी दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलती है, ये इंडिया की वर्स्ट बात है जिसके लिए सभी को शर्म आनी चाहिए, लेकिन फिर भी सब लोग खुशी खुशी जाके मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद लेते हैं, तो B12 की गोली खाते हैं और उससे उनका B12 बढ़ जाता है। अब अगर B12 बढ़ जाता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, चक्कर आ सकता है, सिर में एकदम व्हाट डू यू से नंबनेस जैसा आ सकता है, चमड़ी एकदम रेड हो सकती है, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अगर आपका B12 बहुत ज़्यादा हो गया तो उसके लिए क्या करना चाहिए, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप नॉनवेज खाना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, जैसे कि एग्स भी आपको कम्प्लीटली बंद कर देना है। आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए ये डाइट फॉलो करना है। पानी बहुत ज़्यादा लेना है, 4 से 4.5 लीटर पानी लेना है। दूध बिल्कुल भी नहीं लेना है, ओके? दही छाछ आप ले सकते हो, लेकिन दूध लेना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। और इसके साथ साथ जो अंकुरित मूंग वगैरह, अंकुरित जो स्प्राउटेड मूंग वगैरह होते हैं, इसको भी आप बंद कर दीजिए, ओके? ये हो गया आपके डाइट की बात। अभी कुछ लोगों में कई बार अगर एनीमिया होता है तो उसकी वजह से भी B12 थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में कुछ पेशेंट्स में मैं हीमोग्लोबिन बढ़ने, आयरन के सप्लीमेंट्स, हीमोग्लोबिन उनका नॉर्मल होता है, B12 भी बढ़ा हुआ होता है, लेकिन अगर उनको लो डोज ऑफ आयरन सप्लीमेंट्स अगर हम स्टार्ट कर देते हैं, फेरस सॉल्ट्स स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि ऑट्रिन, रेरिक एप या फिर हेपेटोग्लोबिन, इसमें से कोई भी एक अगर आप दिन में एक बार यानी लंच के बाद एक डोज अगर आप ले लेते हो आयरन सप्लीमेंट्स, तो इससे भी काफ़ी अच्छा फायदा होता है और B12 का जो एक्सेस है वो निकल जाता है और B12 के का लेवल है वो नॉर्मल हो जाता है। वन मोर थिंग, आपको ये इंश्योर करना है कि आपको बहुत सारा पेशाब हो, जितना ज़्यादा आपको पेशाब होगा उतना जल्दी और उतना तेज़ी से आपका B12 का लेवल कम हो जाएगा, ओके? तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको कोई भी ड्रिंक वगैरह, कोई भी अल्कोहलिक चीज़ें ये नहीं लेनी है, और कैफिनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि चाय, कॉफ़ी, ये सब भी आपको बंद कर देना है, क्योंकि इन सब की वजह से भी B12 आपके बॉडी से जल्दी ख़त्म नहीं होता, तो इसलिए ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर ये आप फॉलो करते हो तो आपका 4 to 6 months में B12 का जो लेवल है वो कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाएगा, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब ये ट्रीटमेंट आप करोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि पेशाब जो है वो बहुत ही पीला आ रहा है, तो पेशेंट डर जाते हैं कि क्या मुझे पीलिया हो गया। नहीं, पीलिया नहीं होता। अगर आपके बॉडी में एक्सेस B12 हो जाता है और आप इसको निकालने की कोशिश करते हो तो पेशाब आपको पीला आने ही वाला है, और वो नॉर्मल है और वो एक अच्छी निशानी है, ओके? इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं।